खबर मुरादाबाद से, जहां आबकारी विभाग को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब आबकारी विभाग ने अंग्रेजी महंगी शराब के साथ एक युवक को धर दबोचा। पकड़ा गया युवक गाड़ी में अंग्रेजी महंगी शराब लेकर जा रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने उसे शराब सहित धर दबोचा। आरोपी मेरठ जनपद का रहने वाला है और उसके पास से आबकारी विभाग की टीम ने 40 बोतलें अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जीरो प्वाइंट से एक गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें से 40 महंगी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पकड़ा गया आरोपी मेरठ जनपद का रहने वाला है, नागेंद्र यादव है। पकड़े गए आरोपी ने आबकारी विभाग को बताया कि वो ऑनलाइन शराब बेचने का काम करता है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1,20,000 रुपए है। मुरादाबाद से लखन मेहता की रिपोर्ट। जो आज जो गाड़ी पकड़ी गई है, इसमें 40 बोतल हैं और जो सभी इम्पोर्टेड हैं। इसमें वैलेंटाइन 10 बोतल, शिवा सिगरेट 6 बोतल और ब्लैक एंड वाइट 12 बोतल और JNB 12 बोतल, कुल 40 बोतलें हैं। और ये जो पकड़ा गया व्यक्ति है, इसका नाम नागेंद्र यादव है और ये वैद्य व्यासपुरी मेरठ का रहने वाला है। और इसमें ये ला रहा था, ये लाया था जो कुणाल चावला बॉन गाजियाबाद है, वहां से बता रहा है कि वहां से जो जो बॉन्ड है वो कस्टम बॉन्ड है, जो सेंट्रल एक्साइज का है, तो वहां से लेके ये आया था। लगभग कितनी कीमत है इन शराब की बोतल की? लगभग ये है 1,20,000 के आसपास इसकी जो मार्केट कीमत होगी। कहाँ लेके जा रहा था ये शराब? अब ये तो इसने जो बताया नहीं है, जो बता रहे ऑनलाइन इसको ऑर्डर मिलते हैं और उसको जो जैसे आवश्यकता जैसा देता है, तो ये इसने एग्जैक्ट बताया नहीं कहाँ ले जा रहा।